माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज ट्विनिंग सिस। आपको पता होगा इस चैनल पे डेली ड्राइंग से रिलेटेड कंटेंट पढ़ते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं सॉल्व करूंगी ड्राइंग का पेपर जो कि रिलेटेड है 2018 ईयर से। चलिए फटाफट आपको पेपर का ओवरव्यू दे दिया जाए। पहले तो आप ऊपर देख सकते हो अनुक्रमांक दिखाई दे रहा है। अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर भरना होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आपको लिख करके दिया गया होगा। उसके नीचे आपका नाम होगा और ये भरना इसलिए जरूरी है ताकि जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि आपने अपने पेपर पे अपना नाम या रोल नंबर भरा है या नहीं, जिससे ये पता चलता है कि वो पेपर आपका ही है। ठीक है, तो ये जरूर भर लीजिएगा, अदरवाइज वो तो बताएंगे ही आपको। चलिए हम शुरू करते हैं पेपर। ये पेपर है 2018 का, जिसमें आप देख सकते हो ये 2018 का है और ये चित्रकला का है। ठीक है, चित्रकला का, जिसमें आपको नीचे कुछ ऐसे समय दे दिया गया, 3 घंटा 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट का तो पता नहीं, बट 3 घंटे आपको प्रॉपर मिलते हैं वहाँ पे, जिसमें आपको कुछ ड्राइंग्स बनाने होते हैं। चलिए अब फटाफट निर्देश पढ़ लिया जाए। ठीक है, निर्देश में है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। वेल, आप प्रश्न पत्र पढ़ भी सकते हो या उसमें सॉल्व भी कर सकते हो अपने पेपर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए फटाफट ये कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं, निर्देश के पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका मुख्य पृष्ठ मतलब कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्षा निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना रोल नंबर और नेम भरना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कंपलसरी है, तो आपको भरना ही पड़ेगा, वही बात इसमें कही गई है। अब हम आते हैं निर्देश नंबर 2 पर, मतलब पॉइंट नंबर 2 पर, जिसमें लिखा गया है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इसमें से खंड क अनिवार्य है, ये जो खंड क है वो अनिवार्य है, मतलब आपको बनाना ही बनाना है। और आगे बढ़ते हैं, खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड के ही प्रश्न हल करने हैं, मतलब कि आपका 3 खंड दिया गया, खंड क और खंड ख ग। ठीक है, जिसमें से आपको क तो करना अनिवार्य है। चलिए अब क में देख लेते हैं क में क्या क्या है। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ख और ग में से कोई एक ही करना है, मतलब आपको 2 ड्राइंग ही बनाने हैं। तो पहला है खंड क देखेंगे हम। खंड क में है कि आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है, और अथवा करके दिया गया है ऊपर, वहां पे आप देख सकते हो, वेट अ मिनट, आलेखन भी देखिए, आलेखन दिया गया है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आलेखन ही बनाइए। अगर आप गर्ल्स इंटर कॉलेज से हो तो आपको तो पता ही होगा कि आप आलेखन ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आलेखन में क्या होता है कि आप उसको अपने मुताबिक इन्हांस करके दिखा सकते हो, बट प्राकृतिक चित्रण में क्या होता है कि आपको ऐसा सीनरी या सिनेरियो बनाना होगा जिसमें वो प्राकृतिक से रिलेटेड हो, मतलब एक नेचुरल दिखे वो। ठीक है, तो नेचुरल ड्राइंग बनाना मेरे लिए तो थोड़ा टफ है ही, बट मैं बना लेती हूँ, उतना भी अच्छे से नहीं। वेल, ये तो बात हो गई खंड क की, जो खंड क में प्राकृतिक चित्रण और आलेखन है। अभी हम बात करेंगे हमारे बचे हुए निर्देशांकों के बारे में। तो तीसरा निर्देशांक कहता है कि खंड क के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्रविधिक कला में से केवल एक ही कला उत्तर देना है। मतलब यहाँ पे खंड क में भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा है आलेखन तथा तीसरा है प्रविधिक कला। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आलेखन ही बनाइए, क्योंकि आलेखन बनाना आसान है और उसमें नंबर की मार्किंग भी अच्छे से हो जाती है, मतलब आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक चित्रण में क्या होता है कि आपको अगर प्राकृतिक चित्र बनाओगे तो थोड़ा इन्हांस करके, मतलब एकदम प्राकृतिक रूप ही दिखाना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप आलेखन ही बनाइए। चलिए हम चौथा नंबर निर्देशांक पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर निर्देशांक कहता है कि खंड ख में स्मृति चित्रण अथवा खंड ग में से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। जैसा कि पीछे मैंने अभी आपको बताया, खंड ख या ग में से किसी एक को ही आपको करना है। तो वेल, सब लोग तो स्मृति चित्रण ही बनाता है, क्योंकि खंड ग में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स तो मार्किंग, अगर आपका ऑप्शन गलत हो गया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्मृति चित्रण ही बनाइए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव लर्न करना पड़ेगा, लेकिन स्मृति चित्रण में क्या है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए हम पॉइंट 5 पढ़ते हैं। पॉइंट 5 में है कि केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक उत्तर पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। वेल, आपको जो एग्जामिनर शीट्स मिलेगी, ड्राइंग शीट्स, उस पर ऑलरेडी आपका मुहर लगा रहता है, बट एग्जामिनर जो वहाँ पे जो कक्षा निरीक्षक होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं,
वो आपके आंसर शीट पर आप आकर के वो अपना सिग्नेचर करेंगे, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका ये जो आंसर शीट है वो मतलब आपने जा कर के दिया है, ठीक है, कहीं स्कूल से दिया है, मतलब वहाँ पे इन्विजिलेटर्स उपस्थित थे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें। वेल, अब हम चलेंगे अपने आलेखन की ओर, क्योंकि हमें तो आलेखन ही बनाना है। तो आलेखन में हम देख लेते हैं, चल आलेखन में भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए, जो कि भारतीय पुष्प उसके दो पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो, आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो, आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें, ट्रेसिंग करना मना है। वेल, आपको मैं बता दूं, आप ट्रेसिंग पेपर नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे ट्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। और वहाँ पे जो आप ड्राइंग बनाएंगे, आलेखन बनाएंगे, उसमें सिर्फ 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है, सिर्फ 3 जल रंग। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया 3 जल रंग। चलिए मैं आपको अपने कुछ पुराने आलेखन दिखा देती हूँ जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये है आलेखन। हाँ, तो आप देख सकते हो ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाइए विजिट कीजिए और इसकी वीडियो देख सकते हो। इसमें देख लीजिए आप, बहुत सुंदर 2 कमल है और 2 कली है, जिसमें एक पशु भी है, मतलब पक्षी भी है, सॉरी ये पक्षी भी है। चलिए ये देख लीजिए, मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाइए विजिट कीजिए मेरे चैनल पे और इसकी वीडियो देख सकते हो, ये बना कैसे और कलर कैसे हुआ है, ठीक है। मैं आपको कलर से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कलर्स का यूज़ किया गया। आप कह रहे होगे कि व्हाइट कलर भी है इसमें, बट ये व्हाइट कलर काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बेस को किया है ऑरेंज कलर से, यहाँ पे ये बेस हमारा ऑरेंज कलर है और मैंने ग्रीन के अलग अलग वेराइटीज यूज की है। आप यहाँ कहोगे डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन तो 2 कलर हो गए, लेकिन नहीं, ये जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपको पता होगा कि किसी भी कलर के 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। आप एक कलर को एज अ 6 कलर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन आपका एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी। ये देखिए पर्पल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कलर्स का यूज किया गया, ये 3 कलर ही हैं, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, ठीक है। तो जैसा कि कंडीशन है हमारे ड्राइंग पेपर में कि आपको सिर्फ 3 वाटर कलर्स का ही यूज करना है, तो मैंने 3 वाटर कलर का यूज किया है। जैसे यहाँ देख लीजिए 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, ठीक है, 3 जल रंग। और बाकी ये चलिए, अगर आपको ये पेज अच्छा लग रहा हो, दिख रहा है कैसा है, आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ जाइए इसकी वीडियो पड़ी हुई वो देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये भी मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, यहाँ उसी पैटर्न पे है ये। नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हो आप, मैंने 3 कलर का यूज़ किया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये बेस हमारा ऑरेंज कलर है, सॉरी ये कलर कोई और लग रहा है, बट ये पिंक कलर का है, ठीक है, लाइट पिंक है। और हमारा फ्लावर रेड कलर से है एंड पत्ती जो है ग्रीन कलर से है, ठीक है। और हमारा जो बत्तख है वो है हमारा ऑरेंज, सॉरी स्काई ब्लू कलर। ये हमारी नेक्स्ट, हाँ यहाँ भी देख सकते हो आप, मैंने 3 कलर का यूज किया है जो कि वाटर कलर है, जो बहुत खूबसूरत पैटर्न पे है। आप ये फर्श के मध्य में बनवा ही सकते हो, जो हमारे फर्श को और एनहेंस करेगा, जो हमारे पेज में कंडीशन, सॉरी हमारे ड्राइंग पेपर में जो कंडीशन रखे गए उसको ये एकदम फॉलो कर रहा है, ठीक है। 3 वाटर कलर है, फर्श के मध्य के लिए अफोर्डेबल है, आप बनवा सकते हो इसको अपने फर्श के मध्य में, जैसा हमारे ड्राइंग पेज में कंडीशन है वैसा ही बिल्कुल ये है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख सकते हो आप, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे है जिसका बेस मैंने ग्रीन कर दिया है। वेल, सारे बच्चे बेस को ग्रीन नहीं करते, मतलब कुछ ही बच्चे होंगे जो बेस को ग्रीन करते होंगे। वेल, बेस हमारा ग्रीन है जो एकदम हटके है, क्योंकि कोई बेस को ग्रीन नहीं करता है। आप चाहो तो ये भी अलग करिए कुछ अपने एग्जाम में, जिससे आप एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो कुछ डिफरेंट है, तो इसको तो नंबर देना बनता ही है। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। इसकी वीडियो मैं आज अपलोड करूंगी, तो आज अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ जाइए। वेल, ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा। वेल, इसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी, ये आपको शायद नहीं मिल पाया मेरे चैनल पे, आप जाके इसको ढूंढिएगा मत, क्योंकि जब मैं ये
ड्राइंग बना रही थी तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मुझे स्कूल में चेक भी करवाना था, तो इसलिए मुझे बनाना ही पड़ा और मैं इसकी वीडियोग्राफी नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं दोबारा से आपके लिए ये इसकी ड्राइंग बना दूंगी और आपको कलर करके दिखा दूंगी। चलिए नेक्स्ट। ये तो काफ़ी पहले मैंने बनाया था, इसकी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो कलर का ही यूज़ किया है बस, ठीक है। तो आप दो कलर वाला मत करिएगा क्योंकि वेल आपके बोर्ड एग्जाम में तो तीन कलर वाले आते हैं। सो ये रहे हमारे सारे आलेखन। आपको इसमें से कोई भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और जाइए, वहाँ पे वीडियोस पड़े हैं वो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा खंड ख, ठीक है, जिसमें हमारा है कुछ शेडिंग्स। चलिए मैं आपको खंड ख पढ़ के बता देती हूँ, जहाँ पे आपको मैं बना के दिखाऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। खंड ख में है आपका स्मृति चित्रण। आपका निर्देश में एक कंडीशन दिया हुआ था, खंड ख करिए या खंड ग करिए, तो हम सॉल्व करेंगे खंड ख, जिसमें हमें नंबर अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट पढ़ देती हूँ। यहाँ पे स्मृति चित्रण है, जहाँ पे आपको पहला अ में दिया हुआ है खुली पुस्तक। खुली पुस्तक बनानी है, बट आप ऊपर देख सकते हो ये 15 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है पतंग, तीसरा दिया हुआ है क्रिकेट और बैट। तो अगली वीडियो में ही हम मिलेंगे आपके साथ इसी सारे चित्रों के साथ, हम वहाँ आपको बनाएंगे भी। यहाँ पे चौथा नंबर जग भी दिया हुआ है, ये सारे चित्र हम आपको बना के भी बताएंगे और ये भी बताएंगे ट्रिक्स क्या है, कैसे आप इसको फटाफट एग्जाम्स में बना सकते हो। 3 घंटे के अंदर आपको दोनों बनाने हैं, शेडिंग भी और आलेखन भी, ठीक है। तो आपको सारे 3 घंटे के अंदर ही बनाने हैं। देखिए बी में भी दे रखा है बैंगन है, भिंडी है, 2 केले हैं और आम पत्तियों सहित है, ठीक है। तो वेल ये है हमारा सारा खंड ख। अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको खंड ख सॉल्व कैसे करना है। वेल मैंने खंड ख तो पहले ही सॉल्व कर रखी हूँ, सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाइए विजिट कीजिए और वीडियोस वॉच कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल भी हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको 1 डे के अंदर ही मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खंड ख के साथ, बाय बाय। बट हाँ एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, प्लीज़। ओके बाय।